हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके सामने अभी एक नोटिस शो हो रहा होगा, ठीक है। और ये आपका नोटिस है, ये सारा ब्यौरा जो है वो आपका 41,520 की वैकेंसी का है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता होगा, ये जो है आपका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। क्यों चल रहा है? अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो हमने आपको बहुत सारी वीडियो इससे रिलेटेड प्रोवाइड कर दी है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर मान लो आपका थोड़ा सा मेरिट कम होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका मतलब मिल सकता है, क्योंकि आपकी जो है जल्दी दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करी जाएगी इससे रिलेटेड। और सारी बातें हम आपको नोटिस के थ्रू समझाएंगे, क्योंकि आपको जैसे कि बहुत सारे नोटिस इसके अकॉर्डिंग हमें मिली है, ठीक है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको ये जानकारी प्रोवाइड कर दी जाए। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें जो मतलब कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये तो पहले आपको पता होगा कि पीएससी की अभी जो ट्रेनिंग है वो मतलब कि सॉरी ज्वाइनिंग है वो चल रही है, ठीक है। ये प्रोसेस तो अभी चल रहा है और सिविल का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और उसमें जो है एक सूत्रों से पता चला है, हमने आपको पहले भी बताया था कि 3100 प्लस जो सीटें हैं वो सिविल में खाली हैं, ठीक है। और इस नोटिस के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि क्यों ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि जो है नोटिस भी जारी कर दी गई है कि हाँ इतनी सीटें खाली है और आप अपने लिए लड़ सकते हैं। और इससे बहुत सारे स्टूडेंट जो भी मान लो जो है रीट डाले थे, जो लड़ रहे थे, बहुत दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। तो बस हम सभी मिलकर यही कामना करते हैं कि इसके अंदर मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स इतना मेहनत कर रहे हैं, बस आपको फल मिलने वाला है, ठीक है। और प्रे करते हैं गॉड से। तो देखिए क्या है पूरी खबर। सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें, 52,000, ठीक है, प्लस जो सॉरी 5200 प्लस जो है वो आपकी सीटें खाली हैं सिविल प्लस पीएससी। मतलब कि सिविल की बात करें ना, तो सिविल में आपकी 3100 प्लस सीटें खाली हैं, ठीक है। वहीं हम पीएससी की बात करें तो उसमें लगभग 2000 प्लस जो सीटें हैं वो खाली हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को देखिए। इसमें पहले तो आप ये देखिए कि 52 प्रशिक्षण मतलब कि 52 प्रशिक्षण संस्थानों पर जो है, केंद्रों पर जो है, वो आपका जो है मतलब सारी प्रक्रिया पूरी हुई थी, ठीक है। और वहीं से ये जो है नोटिस जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर जो है उन्होंने ये निकाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है। मान लो आप देख लो खुद ही, अभी जो है 2015 की प्रक्रिया प्लस 2016 की प्रक्रिया प्लस ये आपकी 2018 यानी कि 41,520 की जो प्रक्रिया है वो अभी कोर्ट में ही चल रहा है, ठीक है। और सारा मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है हम आपको इस चैनल से प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए ये है प्रशिक्षण संस्थानों के केंद्र, मतलब जहाँ भी आपके कितने स्टूडेंट्स कौन से डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, यहाँ आपको दी गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से बाहर कुल मतलब कि 92 प्रशिक्षण संस्थानों केंद्रों पर वर्ष 2018 में चयनित परीक्षणाधीन जो इस रिक्रूट आरक्षियों की संख्या जो है इसमें आपको प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन हम आपको शॉर्टली यहाँ बताते हैं कुछ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसी बेस पर कि आपको बिल्कुल भी अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पीएससी की जो है, ठीक है, पीएससी की जो है वो चल रही है और ये आपका बिल्कुल न्यू है, ठीक है। और इसी के नोटिस के जरिए जो है हमें ये जो है बहुत ही अच्छी खबर मिली है, और ये जो हम एक साथ मतलब मिलकर लड़ रहे हैं ये इसमें बहुत ही हेल्प करेगा। ये आपका जो है दिनांक 24/12/2019, मतलब कि आज है आपका 24 दिसंबर, तो ये आज ही का है बिल्कुल लेटेस्ट, जो कि आरटीसी 2019 पीएससी की तरफ से जो है ये जारी किया गया। अब तो सबसे पहले तो आपको हम यही बता दें कि पीएससी में कितने स्टूडेंट्स गए हैं, आप देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट जो गए हैं वो 1600 प्लस गए, 16000 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो गए हैं। अब ये कैसे, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए पुलिस प्रशिक्षण निषेधालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है,
तो जैसे कि आप देख सकते हो कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरटीसी प्रमुख, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, वहाँ यहाँ आपको मतलब नाम मिल जाएगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, यहाँ देखिए आप देख सकते, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्ष 2018 में चयनित 16061 स्क्रूट आरक्षी पीएससी का दिनांक 24/12/2018 से 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण जो है संपन्न कराने हेतु संशोधित आवंटन, मतलब कि जो पीएससी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको जो है देख सकते हैं, बोला आज ही ये न्यू है, 24 तारीख से जो है इनका प्रशिक्षण स्टार्ट हो चुका है, जो कि 6 माह तक जो है ये प्रक्रिया आपकी चलेगी। और आप देखिए आपका जो स्थान था वो 17,962 जो है पीएससी मतलब सीट थे, और देखिए कितना स्टूडेंट गए हैं, 16,061 स्टूडेंट गए हैं, 16-17, तो मतलब आप देख सकते हो लगभग आपकी 2,000+ जो सीटें हैं वो भी तो पीएससी में अभी खाली जा रही हैं, ठीक है। अब तो आपको बिल्कुल ब्यौरा मिल गया है, तो अब आप पूरे मतलब हक से लड़ सकते हैं। और देखिए इसमें क्या और इम्पोर्टेंट है, कृपया उपरोक्त विषय प्रशिक्षण निषेधालय के समसंख्यक पत्र दिनांकित 28/11/2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 17,962 स्क्रूट आरक्षी पीएससी को दिनांक 24/12/2019 से 70 जनपदीय पीएससी वाहिनियों एवं आरटीसी दो प्रशिक्षण संस्थानों में 6 माह का आधारभूत परीक्षण कराए जाने की आरटीसी ने जो है आवंटन कर दिया है, कि मतलब कि आपकी जो है 72 प्रशिक्षणों में जो है वो आपकी मतलब कि 72 संस्थानों में आपके प्रशिक्षण जो है समाप्त करने की बात चल रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ कि पीएससी पद हेतु चयनित रिक्रूटो 17,962 के सापेक्ष कुल आप देखिए 15,969 स्कोर जेटीसी में आमद सूचना का विवरण उपलब्ध कराया गया है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, देख सकते हैं 15,969, ठीक है, मतलब कि अब देखिए अब ये सोच रहे होंगे कि ये लोग अपनी ज्वाइनिंग क्यों नहीं गए, जब सब मतलब इतना अच्छा हो गया इसलिए नहीं गए, क्योंकि उन्होंने जो है 49,568 में फॉर्म भरा, ठीक है, और उन्होंने एग्जाम पास भी कर लिया, ठीक है, तो वो अब ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम सिविल में ही हो जाए, क्यों हम पीएससी में हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वजह से जो है ये पीएससी की ज्वाइनिंग जो है उस पर नहीं गए, लेकिन फ्रेंड्स जो भी ये किए हैं बहुत गलत किए हैं, मतलब कि अगर वो ज्वाइनिंग पर चले जाते तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मौका मिल सकता था, जिनके घर में खुशियाँ आ सकती थी, लेकिन अब आप देख सकते हो मतलब इनको नौकरी मिल चुकी है फिर भी ये मतलब बड़े पद के लिए जो है कर रहे हैं। तो चलिए हमारे लिए तो बस यही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो आपकी सीटें हैं अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि 5200, ठीक है, 5200+ जो है आपको सीटों पर अब लड़ना है, मतलब कि अभी आपके जो 5200+ जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, अभी उनका सिलेक्शन होगा, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है डरने की, 5000+ जो स्टूडेंट्स हैं वो कम नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपकी मेरिट कम है तो फ्रेंड्स इसके साथ आप भी जुड़ जाइए, क्योंकि जितने लोग रहेंगे उतना ही अच्छा है। तो हम तो गॉड से यही प्रे करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो है, और आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये जो आपका फैसला है वो हो सकता है कि 15 दिन या फिर 1 महीने में इसके अराउंड ही जो है आपका इसका जो फैसला है वो आ जाएगा, और नेक्स्ट सुनवाई आपकी अगर कहें तो हम 2 जनवरी को है, ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग जो है 2 जनवरी की आपकी होगी। तो इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो बस इतना ही, और हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स के साथ दिखाया, क्योंकि आप भी बहुत डर रहे थे कि कुछ होगा कि नहीं होगा, तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश पनौती बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियली न्यूज आती है तो सबसे पहले हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अभी आपकी जो है न्यू वैकेंसी, ठीक है, तो न्यू वैकेंसी से रिलेटेड हमने आपको प्रीवियस वीडियो बना दिया है और आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है, और हम इस चैनल के थ्रू आपको जो भी प्रीवियस पेपर थे, कैसे पेपर पूछे जाते हैं, कैसे आप एग्जाम पास कर पाओगे, कैसे क्रैक करोगे, क्या मतलब किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सारे इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।